हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह 9 बजे से। अभी हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है, देखते हैं आज मम्मी ने क्या बनाया है। ठीक है मम्मी, क्या बन रहा है? पापा के लिए गोभी के परांठे। हाँ, और हमारे लिए आलू के परांठे। अच्छा, अलग अलग बन रहे? अलग अलग, पापा को तो खाने नहीं है आलू के परांठे। हाँ, इसलिए उनको गोभी के परांठे। हाँ, हमारे लिए आलू के परांठे। अरे वाह, तो गाइस ये देखिए यहाँ पे पराठे बनाए जा रहे हैं। पापा के लिए गोभी के पराठे और हमारे लिए आलू के पराठे। क्योंकि पापा को शुगर है इसलिए वो आलू नहीं खाते हैं, इसलिए उनको अलग से स्पेशली गोभी के पराठे बन रहे हैं। हाँ। तो हमारे लिए आलू, क्योंकि हम एकदम ठीक हैं अभी, इसलिए हम खूब आलू खाते हैं। आलू खा के आलू जैसे रखे हैं। खाना तो है ही, अब जैसे भी होंगे ऐसे नहीं सोचना, ऐसे हो गए वैसे, खाना तो जरूर खाना है। खाना तो जरूर खाना है, खाना नहीं करने खाने में। तो गाइस अभी हमारा ब्रेकफास्ट बन रहा है और आज देहरादून का मौसम काफी अच्छा है, एकदम क्लियर, बढ़िया धूप लगी है। मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। ठीक है, ये देख रहा है, आप देख ही पा रहे हो मेरे चेहरे पे कैसे धूप पड़ रही है सीधे। ये देखिए, ये सूर्यदेव निकल चुके हैं और आज काफी क्लियर मौसम है, फिर से बादल नहीं है आसमान में एक भी। तो आज भी हम धूप सेकेंगे, अब देखते हैं क्या क्या करते हैं बाकी। तो अभी तो सुबह सुबह का टाइम है, आज तो कपड़े भी बहुत हो रखे हैं धोने के लिए, शादी में जितने पहने थे वो सारे धुलने हैं आज। तो अब कार्यक्रम शुरू करते हैं आज का। तो गाइस यहाँ पे पापा ब्रेकफास्ट करने बैठ गए हैं। कैसा हो रखा है? अच्छा हो रहा है? बहुत बढ़िया। गोभी के पराठे सही बने? बहुत बढ़िया। आपने बनाए? नहीं मम्मी ने। चलो बहुत बढ़िया, आपके हाथ की रसान बहुत बढ़िया है। हमारे नहीं, मम्मी की। अच्छा, अचार भी खाना? ना अचार नहीं चाहिए। हाँ बस मेरे को यही पसंद है। बढ़िया। अच्छा बढ़िया, धूप लगी हुई, धूप पे खाना खा रहे हैं। तो गाइस मैं भी बैठ चुकी हूँ ब्रेकफास्ट करने और मैंने लिए हैं 2 आलू के पराठे। अब मैं खाती हूँ आलू के पराठे। ठीक है, और आप भी ब्रेकफास्ट कीजिए और हमारा ब्लॉग देखिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। ठीक है, और मैं निकाल रही हूँ नींबू का अचार। और नींबू का अचार ये देखना कैसे हो रखा, पूरा का पूरा इकट्ठा हो रखा है। और ये नींबू का अचार हमारा बहुत साल पुराना है, इसलिए ये अब ज़्यादा टेस्टी होता है। तो हम निकाल रहे हैं नींबू का अचार और अब थोड़ी देर में बनाएंगे चाय और फिर हम खाएंगे पराठे। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं आपको पराठे खाने के बाद में। ओके बाय। ये देखिए यहाँ पे जादू दिखाया जा रहा है। ये देखिए उसको रख, उसको रख तो सही, पीछे ऐसे पीछे रख दे इसको, ऐसे देखो है कुछ, निकालो मुंह से। हां जादू है गाइस, आई एम में आज पीओपी तो से ये यहाँ पे चौपर रुक रहे हैं। तो गाइस हमारी आज खटाई बनी हुई है और ये देखिए अब हम इसमें डालेंगे नमक और इसको करेंगे मिक्स, फिर हम खाएंगे इसको। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, हमने नमक डाल दिया है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे और इसको करेंगे मिक्स। काना मुंह में पानी आ रहा है? अरे काना खाओ, कैसा है? अच्छा। कितना अच्छा? अच्छा, बहुत अच्छा है। खा के बताओ, खाओ ना। सही है ऐसा? बढ़िया, खाया भी तूने? टेस्ट करो फिर बताओ। मस्त हो रहा है।
मस्त बढ़िया खट्टा मीठा बरोगा खट्टा भी मीठा भी मौसम कैसा है बरोगा खटाई कैसे बराबर सब बराबर बराबर तो गाइज अभी मैं तैयार हो रखी हूँ अपने ससुराल जाने के लिए आज मेरे ससुर जी आ रहे हैं तो अब मैं फ्लैट पे जाऊँगी एक दो दिन अब वहीं रहूँगी उसके बाद आऊँगी अब इधर जब तक वो यहाँ पे हैं मैं उधर रहूँगी फिर उसके बाद मैं फिर से इधर आ जाऊँगी और जब तक मैं वहाँ रहूँगी फिर मम्मी लोग भी परसों चले जाएंगे गाँव फिर ये लोग सीधे आएंगे अब सर्दियों की छुट्टियों में जब पापा की छुट्टी पड़ेंगी स्कूल की तब ठीक है तो अब मम्मी से तभी मिलेंगे मम्मी कुछ कहना चाहते हैं बस क्या अब व्लॉग में नहीं आएगी हाँ, तो कुछ टाइम तक नहीं आएगी अब सीधे 20-30 दिन बाद आएगी हाँ, फिर क्या व्लॉग देखना गांव में देखूंगी ठीक है सबको भी बोलना व्लॉग देखना ठीक है हो गया तब हो गया तो अभी मैं जा रही हूँ तो अब पापा भी परसों जाएंगे मम्मी और पापा दोनों साथ में जाएंगे तो हम मिलेंगे फिर सीधे 20-30 दिन बाद अब तुम बीच में व्लॉग में नहीं आओगे कुछ कहना चाहते हैं दिखा देना हमको भी बराबर अपना ब्लॉग अब वो तो मैं बनाऊंगी गांव में देखते रहना सबको भी दिखाना रात में और हमारा क्या होता टाइम पास उसी को देख करके हमारा टाइम पास होता है हाँ तो और बाकी लोगों से भी वो करना सब्सक्राइब करवाना चैनल और सबको बोलना ब्लॉग देख के ठीक है गांव में सबको बोलना आ रही है हमको अभी से अपने आराम से रहना अपना प्यार प्रेम से रहना जहाँ भी रहेंगे लड़े को ना तो खुशी से रहो जहाँ भी रहो मस्त रहो खुश रहो ओके बाय 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 तो गाइस हम दोनों निकल चुके हैं मेरे ससुराल के लिए ये मेरे को छोड़ने आ रहा है इस बेटी तक अभी मेरे ससुर जी आ रखे हैं वहाँ पे तो वो कुछ दिन वो रहेंगे तब तक मैं वहीं पर रहूँगी फिर आ जाएंगे फिर या तो ये उधर आ जाएगा या मैं इधर आ जाऊँगी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे गाइस ये देखिए यहाँ पर मेले की तैयारी चल रही है देहरादून में भी जगह जगह पर आजकल मेला लग रहा है तो गाइस आजकल देहरादून में FRI में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट भी चल रहा है 2023 इसलिए वहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है उस रोड पे तो सारा रूट डाइवर्ट करा हुआ है और सारी गाड़ियाँ जा रही हैं शिमला बाईपास रोड से होते हुए ISBT से और आगे की तरफ तो आज यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ देखने को मिल रही हैं काफ़ी ट्रैफिक हो रखा है इस रोड पर तो ऐसा चल रहा है कुछ अभी तक का सीन यहाँ भी किसी की शादी है लगता है देहरादून में भी इसलिए उसकी शादी की बग्गी जा रही है यहाँ पे से ये देखिए तो गाइज अभी हम शिमला बाईपास रोड पे पहुंचे ही थे और हमारी किस्मत इतनी ख़राब है कि यहाँ पे रेड लाइट हो गई और जैसे हम आए वैसी भी और वो भी पूरे 2 मिनट का 120 सेकंड का और अभी चल रहा है 98, 97, 96, 95 ये देखिए अभी 85 पे 43, 82, 81, 80 तो गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं क्वींस कोर्ट पे यहीं पे है मेरा ससुराल अब हम यहाँ पे जाएंगे और हमारा ड्राइवर मेरी हेल्प करेगा सारे सामान को ऊपर रखने में फिर ये चला जाएगा फिर देखते हैं आगे क्या क्या होता है फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं ISBT पे मेरे ससुराल में ये देखिए गाइस ISBT का नाइट व्यू और यहाँ पे कुछ लोग झोपड़पट्टी लगा के रह रहे हैं अभी इस सामने वाले इसमें तो यहाँ पे आपको चूल्हे जलते हुए नज़र आ रहे होंगे और नाइट व्यू कुछ ऐसा है यहाँ का तो गाइज मैं पहुंच चुकी हूँ फ्लैट पे जैसे कि आप देख ही रहोगे मेरे बैकग्राउंड से पता चल गया होगा मैं कहाँ हूँ और यहाँ पे है चीट जी हाय और यहाँ पे अनार काटा जा रहा है मैं एक बीमार आदमी है आदमी नहीं है वो बीमार बुली है हमारी एक बीमार बुली है अंदर हाँ इनकी वजह से क्योंकि इनको चिकन पॉक्स हुआ था और इन्हें वो प्रसाद जैसा बांट दिया वहाँ पे भी तो अभी दी को भी चिकन पॉक्स हो गया वो अंदर रेस्ट कर रही हैं तो उनके लिए यहाँ पे फ्रूट्स काटे जा रहे हैं ससुर जी देख रहे हैं TV अंदर पे अभी हमारा खाना बनना है सब्जी बन गई है अब रोटी बनाऊँगी थोड़ी देर में फिर हम लोग डिनर करेंगे तो बस ऐसे ही चल रहा है अभी का कार्यक्रम जैसे देखिए अनबॉक्सिंग कर रहे हैं ये ब्लिंकिट के सामान की अब देखते हैं इसके अंदर से क्या क्या निकलता है क्या है ये अरे वोट का पैकेट चलते हैं तरह को क्या है ये दर्शकों को दिखाओ क्या क्या लेके आए आप गाइस ये है नॉन ब्रांडेड दाल ये कोई ब्रांड नहीं है
स्पेशली बनाने के लिए आई है, स्पेशली मूंग दाल। हमारा मैजिक पोशन मैजिक पोशन वो टपकड़ा हुआ। और ये है अमूल पीता है इंडिया, और ये चाय बनाने के लिए ये चाय खाना पड़ेगा। तो ये आज का सामान फ्रॉम ब्लिंकिट। तो गाइज हमारा डिनर भी हो चुका है और आप सोने की तैयारी है बस। तो फिर चलिए आज के व्लॉग को इतना ही रखते हैं। आई होप आपने हमारा व्लॉग एंजॉय किया होगा। अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। ठीक है, मिलते हैं हम आपको फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।